गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 एच। दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, 18 अप्रैल को आपका 6ठा चरण कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों, विशेष चक्र में चयनित 972 कैंडिडेट्स को 18 अप्रैल के दिन नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और इसके साथ ही 6ठे चरण की समाप्ति हो जाएगी। और अब बारी है दोस्तों 7वें चरण की। दोस्तों, तो 7वें चरण के कैंडिडेट्स भी लगातार सरकार के पास जा रहे हैं, सचिवालय में जा रहे हैं और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच में आपको बता दूं कि बिहार संघर्षशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर भी जल्द ही सचिवालय दौरा करने वाले हैं और 7वें चरण की मांग को मजबूती से वहां पर भी रखा जाएगा। दोस्तों, 6ठा चरण जहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात है, दोस्तों, तो 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय की गई थी, लेकिन उसके एक दिन पहले माननीय हाईकोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ गया और उन्हें नियुक्ति पत्र का वितरण रोक दिया गया। दोस्तों, और उसके बाद अब काफी समय हो गया है, वहां पर भी अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति पत्र की डिमांड कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है कि जल्द से जल्द इस विषय का निपटारा किया जाना चाहिए और इन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाना चाहिए। और इसी के संबंध में अपर मुख्य सचिव माननीय संजय कुमार सर भी एक लेटर लिखे हैं माननीय एजी साहब को और उनसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट से, पटना हाईकोर्ट से इस मामले की निपटारा करवाया जाए और आगे जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किया जाएगा। यदि माननीय हाईकोर्ट प्रे को मानती है, शिक्षा विभाग के प्रे को मानती है, तो इस महीने के लास्ट तक, जो आपका अप्रैल चल रहा है, 25-26 अप्रैल तक उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पुनर्विचार याचिका पर यदि माननीय हाईकोर्ट विचार करती है और नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि, नियुक्ति पत्र वितरण का परमिशन दे देती है, तो नियुक्ति पत्र इस मंथ में उन्हें भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर का कहना है, सचिवालय से खबरें हैं। दोस्तों, वही यदि हाईकोर्ट की तरफ से प्रे को नहीं माना जाता है तो फिर उन्हें अप्लीकेशन फॉर्म भरवाना पड़ेगा और उसमें 2-3 महीने का समय लगेगा और इससे एचटीटी 2019 के कैंडिडेट्स को और 7वें चरण जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का इंतजार कर रहे हैं उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, एचटीटी 2019 में आया था और 2022 आ गया है, एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, स्कोर कार्ड का वितरण भी हो गया, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर के अभ्यर्थी काफी आक्रोश हैं और इसी को लेकर के आगे आने वाले 18 अप्रैल को आंदोलन की तैयारी चल रही है जोर शोर से पटना में। दोस्तों, पटना में आगे आने वाले एचटीटी 2019 के मेरिटधारी कैंडिडेट्स की तरफ से आंदोलन का ऐलान किया गया है, तो आप सभी उस आंदोलन में आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, जिससे कि सरकार आपकी बात को जल्द से जल्द सुने और आपकी बहाली भी जल्द से जल्द जारी किया जाए सरकार की तरफ से। दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, शिक्षकों से। दोस्तों, वहां पे क्या है कि सोमवार से पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना को, जैसा कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे पुरानी पेंशन ओल्ड स्कीम को लागू कर देंगे और अब इस सोमवार से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन है। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना सोमवार को लागू कर दी गई है और इस फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा, इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। इस फैसले से लगभग 3 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी और विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से 1 नवंबर 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों की पर नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, और अब छत्तीसगढ़ में सोमवार से पुरानी पेंशन लागू हो गया। दोस्तों, अगली खबर है, नवनियुक्त शिक्षक ने एचएम के साथ मारपीट की है। दोस्तों, जहानाबाद से खबरें आ रही हैं, शिक्षक दंपति ने हेडमास्टर को पिटाई से घायल एचएम को गुरुवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, यहां पे 8:20 तक 5 शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचे थे। रतनी प्रखंड धाना डिग्री स्कूल में हुई मारपीट की घटना, दोस्तों, परस बिघा थाने में शिक्षक पति पत्नी पर दर्ज कराया गया है मामला। जहानाबाद से खबरें हैं दोस्तों कि रतनी फरीदपुर प्रखंड के थाना डिग्री मिडिल स्कूल के हेडमास्टर एचएम के साथ स्कूल की सहायक शिक्षिका और उसके पति के द्वारा मारपीट कर हेडमास्टर को घायल किए जाने का मामला प्रकाश में आया। दोस्तों, पिटाई से घायल हेडमास्टर विकास कुमार को गुरुवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया
अपने साथ हुई घटना के संबंध में उन्होंने शिक्षिका और उनके पति जोशी विद्यालय में शिक्षक है को नामजद आरोपित करते हुए परस बीघा थाने में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। घटना के संबंध में हेडमास्टर के अनुसार बुधवार को बीआरसी भवन में शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। विद्यालय के प्रभार शिक्षक कृष्ण मुरारी प्रसाद को देकर चला गया। 8:20 तक 5 शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचे थे। उन सभी की उपस्थिति कॉलम में लाल पेन लगाकर चला गया। जब वह गुरुवार को विद्यालय आए तो देखा कि सहायक शिक्षिका रीना कुमारी और उनके पति कुमार सत्यम विद्यालय पहुंचे हुए हैं। प्रार्थना का सत्र चलने लगा। उसी समय शिक्षिका रीना कुमारी और उनके पति जो फरवरी माह में उक्त स्कूल में योगदान दिए हैं उपस्थिति को लेकर तुतु मैमे करने लगे। दोस्तों 9 नियुक्त शिक्षक शिक्षिका हैं उपस्थिति को लेकर तुतु मैमे करने लगे। इस बीच शिक्षक दंपति ने मेरे साथ मारपीट की, कहा है कि कपड़े फाड़ दिए, चेहरे छाती हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गुस्से से प्रहार किया है, छाती पर गहरी चोट लगी है, हाथ की उंगली में मोच आ गया है, ओट कट गया है। घायल हेडमास्टर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। बताया गया है कि उक्त विद्यालय में बाहर से आने वाले कुछ शिक्षक अक्सर लेट से आते हैं और इस मामले को लेकर के पूर्व में भी हेडमास्टर के साथ अप्रिय घटना हो चुकी है। दोस्तों सूचना पाकर बीआरपी मोहम्मद जुनैद अंसारी विद्यालय पहुंचे और मामले की जांच की। इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों इस तरह की मारपीट की घटनाएं बिल्कुल सही नहीं है। नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मामला बातचीत से ही सुलझ जाए तो ज़्यादा बेटर है और मारपीट बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों अगली खबर जो है वो शिक्षिका रेणु बनी फेस ऑफ बिहार। यहाँ पे देखिए प्यूरो से खबरें आ रही कि आई ग्लेम की ओर से आयोजित मिसेज बिहार प्रतियोगिता में प्यूरो प्रखंड की जमुआ पंचायत निवासी हीरा लाल प्रसाद की बेटी व प्राथमिक विद्यालय जमुआ अनुसूचित जाति टोला की शिक्षिका रेणु कुमारी रनर अप बनी है। पटना के चाणक्य होटल में आयोजित इस प्रतियोगिता में रेनू ने अपनी पर्सनालिटी, वाक्य चातुर्य, शारीरिक व रंग रूप से निर्णायकों को प्रभावित करते हुए प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। रेनू को फेस ऑफ बिहार तथा मिसेज पॉपुलर ऑफ बिहार का रनर अप खिताब प्रदान किया गया है। दोस्तों अगली खबर जो है वो पिछले दिनों जो जांच है उससे संबंधित है। दोस्तों जांच में स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्र मिले बंद। डीएम ने आधे घंटे तक आपकी 8 कक्षा 8 में बैठकर पढ़ाई की गुणवत्ता का किया आकलन। नल जल योजना की स्थिति भी मिली खराब। दोस्तों मधुबनी से खबरें हैं। मधुबनी में जो डीएम साहब थे वो विद्यालय में बैठ करके और आकलन किया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। दोस्तों पंचायत में चल रही सरकारी योजनाओं का जिले भर के अधिकारियों ने एक साथ निरीक्षण किया। कहीं अधिकारी विद्यालय की कक्षा में बैठकर बच्चों को पढ़ाए जाने की गुणवत्ता जांची तो कई जगहों पर आंगनबाड़ी बंद मिला तो कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मी गायब थे। दोस्तों और ऐसे ही जांच बिहार में अब लगातार चलती रहेगी। दोस्तों और इसी को लेकर की अगली खबर जो है वो अंचल की जांच को लेकर के है। बिहार के सभी अंचलों के में काम काज की जांच 23 तारीख को होगी। दोस्तों कुछ घंटे पूर्व तय हुआ किस अधिकारी को किस अंचल में जाना है। यहाँ पे देखिए पंचायतों की जांच रिपोर्ट के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है और सभी जिलों के डीएम को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। 534 अंचलों में जांच के लिए भेजे जाएंगे अधिकारी। दोस्तों बिहार के सभी अंचलों के कामकाज की 23 अप्रैल को जांच होगी। मुख्य सचिव बिहार के आमिर सुबहानी के दिशा निर्देश के तहत अंचल कार्यालयों में सरकारी कामकाज और आम जनों में को होने वाली परेशानियों की जांच की जाएगी। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सभी 534 अंचलों में रैंडम आधार पर अधिकारियों की जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच शुरू होने के कुछ घंटा पहले ही यह बताया जाएगा कि किस अधिकारी को किस अंचल में जाना है। दोस्तों जिससे कि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से पूर्ण हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जांच के बिंदु तय करेगा। पंचायतों की जांच रिपोर्ट के लिए पोर्टल तैयार। राज्य सरकार के निर्देश पर 13 अप्रैल को 1693 पंचायतों की औचक जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल किए जाने को लेकर पोर्टल तैयार हो चुका है। जांच में शामिल अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट दाखिल किए जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल तक सभी अधिकारियों से पोर्टल पर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आगे से अधिकारियों के 24 घंटे के अंदर पोर्टल पर जिलावार आंकड़ों के साथ जांच रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार दोषी अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट में जहां सरकारी योजनाओं के तहत कमी पाई जाए उसे दुरुस्त भी किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि 5 चरणों में अलग अलग पंचायतों को पुनः जांच की जाएगी। हालांकि जांच के क्रम में अधिकारियों को प्रत्येक चरण में बदल दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस सतत चलने वाली कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। दोस्तों आज के सुर्खियों में इतना ही। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे बने के साथ मिलेंगे।